नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, और आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चार्ट को जो है वह ओपन कर लेना है। जैसे अभी हमारे सामने जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली चार्ट जो है वह ओपन है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, तो इसके बहुत सारे मेथड जो है वह है। सबसे पहले आपको ये सेकेंड लाइन पर जो है वहाँ आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लिखा हुआ है। आप जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं, यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह आ सकता है। आप इसके अलावा जो है किसी भी जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए अलर्ट एच करेंगे तो भी वहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह आ जाता है। यह ट्रेडिंग व्यू में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का जो है वह शॉर्टकट है। दोस्तों, इस तरह का जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो इसमें एक एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जैसे आपने खींचा, तो यह इस शेयर के लिए इम्पोर्टेंट प्राइस जो है वह हो जाता है। अब जैसे ही ये शेयर जो है वह ब्रेकआउट देगा, तो इसके लिए तब हमें उस शेयर पर जो है वह खरीदारी करनी होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल जो है, इससे पहले जो है वह महत्वपूर्ण नहीं था। यानी अगर यहाँ कहीं पर प्राइस जो है इस प्राइस को पास आता, तब वह हमारे लिए जो है वह महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू में एक और समाधान जो है वह दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आप हॉरिजॉन्टल रे है उसे भी कर सकते हो, जिसका उपयोग जो है मैं करता हूँ। यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल रे को करेंगे, उसके बाद आपको जिस भी जगह पर हॉरिजॉन्टल रे खींचना है, वहाँ पर जो है यह प्राइस जो है लाइन जो है वह आ जाएगा। ये जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है 14,170 जो है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह खींची हुई है। अभी प्राइस जो है वह नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पर जो है इस प्राइस के लिए एक सपोर्ट की तरह जो है वह काम करेगा। अगर इसके नीचे आता है, तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है वह 12,500 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह खींच सकते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल जो है उसका निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ जो है एक लाइन भी इससे खींचने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की और नॉलेजेबल जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक